हे गाइस, आई एम विंग्रात। और गाइस सॉरी फॉर, क्योंकि वीडियो इस बार तो मैंने बहुत लेट कर दिया। गाइस फिलहाल गाइस मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो यूट्यूब पे अनएक्टिव था पिछले वन मंथ से, तो मैं कोई भी वीडियो ला नहीं पाया था। तो इस बार मैंने एक वीडियो लाया और ये V8 के फंड वगैरह के ऊपर ही मैंने वीडियो बेसली बनाया है। बाकी मैंने V8 की जो पूरी ट्यूटोरियल है वो मैंने एक और वीडियो में दे दिया, जिसका भी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए मैं वीडियो के अंदर फंड वगैरह आपको सब दिखा दूँ, जिसमें कौन सी फ्यूचर और कौन सी किस टाइप से आपको फंड ऐड करनी है, हिंदी मराठी वगैरह सब। तो चलिए सबसे पहले आपको होनेस्ट ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आपके सामने सेटिंग आइकॉन दिख रहा होगा। सिंपली सेटिंग आइकॉन के ऊपर टैप करोगे एंड यहाँ से आपको दिख रहा है थीम एंड यूआई दिख रहा है, उसको सिंपली टैप करोगे। एंड अब आपको गाइस जो गाइस ओल्ड यूज़र उनको बताया यहाँ पर किस टाइप से फंड ऐड करनी है और किस टाइप से नहीं करनी है, क्योंकि उन सबको पता है ऑलरेडी, जो बाकी अपडेट आते रहे उन्होंने से यूज़ किया उनको। अब जो नए यूज़र उनको मैं बताना चाहता हूँ किस टाइप से उसके अंदर ऐड करना है नए सर से। तो सबसे पहले आपको इमोजी टाइप इमोजी सेक्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे चले जाओगे इमोजी के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे जाओगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। तो ये गाइस आपको एक मेरी फाइल्स के अंदर लेके जाएगा, और इस फाइल्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जिसको आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर वीट नाम लिखा होगा। अब गाइस हमें यहाँ पे ऑल इमोजी ऐड करना, तो हमारे सामने देखो इमोजी वाला दिख रहा है, नीचे सेक्शन इमोजी 16.4 बाय विक्रांत भाई, ठीक। तो इस फाइल को सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करोगे यहाँ पे उसका ऐड होने तक का। तो गाइस वो हमारी जो इमोजी वो यहाँ पे ऐड हो गई, तो हम यहाँ से रिस्टार्ट करने के लिए ओके दबा देंगे, ठीक है। अब गाइस हमें यहाँ पे स्टोरी जो फंड होती है वो ऐड करनी है, ठीक है। स्टोरी फंड ऐड करने से पहले गाइस मैं आपको फंड बैकग्राउंड के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ से गाइस आप बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं जो आईफोन की तरह दिखते हैं यूनिक, उस टाइप के बैकग्राउंड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सिंपली से गाइस मैं बैकग्राउंड के लिए इस वाले बैकग्राउंड गैस सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड ओके कर दूंगा यहाँ से। अब गाइस जाऊंगा ऐड टू स्टोरी फंड, जो कि मैं खासकर स्टोरी के ऊपर यूज़ करता हूँ, उस वाली फंड के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टू लोकल स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली से लोकल स्टोरी के ऊपर टैप करोगे एंड आप आ जाओगे यहाँ पे हमारे फाइल्स के अंदर। तो यहाँ आपके सामने फोल्डर होगा iOS ओरिजिनल फंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी अलग अलग टाइप की फंड देख रही होगी। सॉरी मैंने बाई मिस्टेक ऐड हो गया है, तो वापस जाएंगे इसके अंदर एंड यहाँ पे सारी बहुत सारी फंड है, सबको एक एक करके सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। जितनी सारी मैंने बहुत सारी फंड दी, किसी के अंदर बहुत कम जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी फंड अपने हिसाब से 3-4 ऐड किए एंड सेलेक्ट के ऊपर करोगे एंड वो ऐड हो जाएगी। हो गई, तो आपको दिक्कत नहीं से देख सकते हो आप बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी फंड है वो ऐड हो गई। तो इसमें मैंने बहुत सारी न्यू फंड ऐड की, वो भी आपको दिखा था। उसके सबसे पहले होनेस्टा को रीस्टार्ट करके यहाँ से होनेस्टा को फिर से आप री ओपन कर दोगे, ठीक है। तो री ओपन उसका थोड़ा सा वेट करोगे जी, कौन सी हमारी फंड है, किस टाइप से ऐड हुई कि नहीं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टोरी सेक्शन के ऊपर एंड यहाँ से कर दूँगा फ्रेंड के ऊपर टैक्स के ऊपर टैप एंड यहाँ से इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कर दूँगा यूनिक, क्योंकि iOS की तरह लगते वाला है। अब गाइस हम यहाँ पे जाएंगे एंड फंड को करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो सारी सारी जो फंड आपको यहाँ से नीचे बैकग्राउंड में दिख रही होगी कि हमने कौन कौन सी फंड उसके अंदर ऐड किए। जैसे उसके मैं नाम लिखता हूँ, जैसे विक्रांत YT, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फंड है, ये फंड है, और जो iOS वाले सेम टू सेम फंड है, ये मैंने न्यू फंड उसके अंदर ऐड किए, बोल्ड टाइप फंड है वो मैंने न्यू इसके अंदर ऐड कर दिया। आप देख सकते हो इस सारी से जो हमारा iOS वाली फंड है वो की वो है जो मैंने उसके अंदर दे दिए, ठीक है। सारे आप फंड देख सकते हो, इस टाइप से एक यूनिक आपको फंड मिलने वाली सब iOS वाली, जैसे बोल्ड फंड हो गई, ये वाले हो गए, विज्ञान वाले हो गए, तो बहुत सारी अलग अलग फंड मैंने आपको इस टाइप से दे दिए, ठीक है। तो अब ये तो हमारा जो फंड का काम हो गया। अब गए मैं आप इमोजी भी दिखा दें, इमोजी वर्क करे कि नहीं करे। तो हमारे देखिए 16.06 की जो इमोजी उन सारे को सेलेक्ट हम सेलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारी फंड है उसके साथ साथ सारी सारी इमोजी भी 100% यहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हमारी कोई भी कर सकते हो। अब गाइस हम यहाँ से टेक्स्ट के लिए हिंदी टोटल को जाएंगे एंड हिंदी से सेलेक्ट कर देंगे, जैसे लिखेंगे हम हिंदी, तो देख सकते हो गाइस जो कि हमारा हिंदी टैक्स में है, जो हिंदी iOS वाला फंड है वो iOS वाला हिंदी को एकदम से टैक्स को कन्वर्ट कर रहा है, देख सकते हो आप। और ये वाली तो आप अलग ही लैंग्वेज देख सकते हो, बहुत ही आपको जैसे iOS वाला फील करने के लिए iOS वाली भी मैंने बहुत सारी दी, अलग अलग टाइप से आप देख सकते हो। ये iOS वाली पूरी आपको दिख रही होगी, इस टाइप से आप बहुत सारे iOS की तरह भी टैक्स हिंदी में भी लिख सकते हो। तो फिर आज की वीडियो में कुछ इतना ही, और भी इंटरेस्ट चाहिए तो भाई पे कमेंट करके बताएं, न्यू वीडियो आपके साथ जल्दी आएगी। और अगर आपको उसके न्यू सेटिंग और न्यू फीचर्स के अंदर के वीडियो चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे दी जो कि पूरे उसके न्यू फीचर्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है गाइस।